साइमा आप रूड हैं, आप मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत रूड बिहेव करती हैं अपने हस्बैंड। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत मुझे अपने हस्बैंड पे गुस्सा ही बहुत रहता है, हर वक्त इतनी बदतमीजी करती है मैं उनके साथ। हाँ तो क्यों आप ऐसा करती हैं ना? मुझे समझ नहीं आता के बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन गुस्सा इतना आता है उनसे। मेरी बात सुन ले, वो कुछ नहीं कहते, वो चुप रहते हैं। आप मेरी भी तो सुन ले, आप उनको भी सुनाती हैं, मुझे भी सुनाई जा रही हैं। आप मेरी भी नहीं सुन रही हैं, उनकी भी नहीं आप सुनती हैं। देखें, जैसे आप उनको जो सबसे वीक पॉइंट है उनका, आपने बोला कि ही फिजिकली अनफिट, राइट? ये बड़ी सीरियस बात होती है, ठीक है? एज ए मैन दिस इज वेरी सीरियस थिंग, ओके? आपको यहाँ पे उनको सपोर्ट करना है, ठीक है? और जो भी खुदा उन्हें आपके लिए औलाद रखी है वो जरूर आपको मिलेगी। रिस्पेक्ट योर हस्बैंड। भाई भाई मैं विजन देखती हूँ कि तुम वॉलीबॉल तो पता है ना, तुम वो खेल रहे हो और तुम बहुत हैप्पी हो और तुम बहुत खुश हो, और प्रभु तुम्हारे दिल से बहुत ज्यादा खुशी थे तो नाम पर वेरी सुन तुम हो सकते। थैंक यू। राम सिस्टर जी, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान गुजरांवाला से। जी भाई, आपका क्या नाम है? अदील नाम है मेरा। मैंने से दुआ करवाई थी, मुझे एब्डोमेन का मसला था, मैंने ऑपरेशन करवाया था। तो सिस्टर जी, तो ये मेरी गवाही है, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, खुदा का शुक्र है। तो ये मैंने गवाही देनी थी, काफी देर से मैं ट्राई कर रहा था लेकिन मेरे पाल में से लग गई। भाई इसके ओवेरियन सिस्ट तो समझ लो चली गई, खुदा ने उसको हील कर दिया। Right now, God is sending healing to her, and she is healed now. अमन, आप अगर मेरी आवाज़ को सुन रही हैं तो आप इसको रिसीव करें, क्योंकि आप अपनी हीलिंग को रिसीव नहीं करती हैं। आप कहें कि यीशु के नाम में मैं अपनी हीलिंग को रिसीव करती हूँ। सोनिया, आपके चेस्ट में कोई पेन नहीं है, क्योंकि आप दुआ करने जब बैठती हैं तो आप सोचती हैं मेरे चेस्ट में अब दर्द शुरू हो जाएगा, ठीक है? अच्छा। हाँ जी, तो आपने आपने तो पहले सोचा होगा कि मेरे चेस्ट में दर्द होनी है, अब मैंने दुआ करने बैठना, तो आप सिर्फ दुआ करने बैठा करें, पेन को वहीं पे रहने दिया करें जहाँ पे वो रहती है, ठीक है? सिर्फ प्रार्थना किया करें, वर्शिप किया करें, और आपको कोई चेस्ट का इशू नहीं। नर्सिंग तो आपकी समझ लें बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आई कैन सी यू विद ग्रेजुएट सेरेमनी हो रही है, आपने हैट पहना हुआ और आपके हाथ में डिग्री है, यू गोना हैव दैट वन। जी सारा, मुझे विजन आ रहा है कि आपने एक रेड ब्राइडल गाउन पहना हुआ है, और यू नो आपके हस्बैंड आपका हैंड लेके आपको स्टेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, एंड यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। सिस्टर, ऐसा इसलिए है कि आपके घर में कोई दुआ नहीं, आपके घर में कोई दुआ नहीं करता, और आपकी सिस्टर जिनके लिए आप प्रे करवा रही हैं वो भी दुआ नहीं। तो आप अपनी सिस्टर से कहें कि वो 3 रोज़े रखें और खुदा से दुआ करें कि खुदा अपनी मर्ज़ी से जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी ज़िंदगी के लिए लाइफ पार्टनर है वो भेजे, और खुदा ज़रूर आपके घर पे इस खुशी को लेके आएंगे, और आपके घर में जो झगड़े होते हैं, जो अनयूनिटी की स्पिरिट है, उसको यीशु के नाम से रिब्यूक करते हैं, और अपने घर वालों को कहें कि वो दुआ करें। आपकी मम्मी के घर में वर्शिप बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल वर्शिप का कोई माहौल नहीं है। यीशु कहीं मुझे पूरे घर में नज़र नहीं आ, मतलब कोई मुझे वहाँ पे ऐसा सारी नज़र नहीं आ रहा कि कोई खुदा से डरता हुआ। तो प्लीज़ आप अपने घर वालों को मैसेज दें कि वो दुआ करें और वर्शिप करें, बेबी की ग्रोथ नहीं हुई है मुझे पता। आपका बेबी पूरा ग्रो नहीं हुआ है भाई, जब आप बात कर रहे थे तो मैं विजन देख रही थी, आपका बेबी 5 मंथ का बेबी नहीं ग्रो हुआ। तो अभी आप क्या चाहते हैं हम आपके लिए क्या करें? आप प्रे करें कि ये बिल्कुल नॉर्मल बेबी हो और ये नॉर्मल डिलीवरी ही हो। बैदरी, आप जो है वर्शिप करें, और एक दिन आप वर्शिप कर रही होंगी, आप प्रभु के लिए गीत गा रही होंगी, तो पाक रूप का मसा आपको मिलेगा, और फिर आप जो है वो गैर जुबानों में दुआ करेंगी, और फिर हमें फ़ोन करके बताना कि किस तरह से पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है, ठीक है? और ये बहुत जल्द होगा, ठीक है? आमीन। और आप जब वर्शिप कर रही होंगी, जब आप गीत गा रही होंगी, तो पवित्र आत्मा आएगा और आपको छुएगा, बिकॉज खुदावंद आपको बहुत प्यार करता है। ब्रदर, आपके पास जो दुआ वाला पानी है या ऑयल है, उसको आपने अपने रूम में करना है, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ नहीं है। खुदावंद ने मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई है, और कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं कह सकूँ कि वहाँ पे कुछ है,
और जी हम सॉरी हम मेरी जो फैमिली है ना काफी प्रेयर करती है, ये मेरे वालिद साहब भी हम खुद भी करते हैं बहुत ज्यादा, सही सी रात हम बैठ के दुआ करते हैं और खुदा का शुक्र है कि हमने यानी एक डट के मुकाबला किया है इब्लीस का, लेकिन अभी भी कभी कभार वो कह लें कि फील होता है फील होता है वो तो भाई वो तो हर ईमानदार की जंग है, वो तो हर ईमानदार की जंग है और आपको हर दफा उस जंग में कामयाबी यीशु नाम से मिलेगी। लेकिन अभी आपके घर में आपके अराउंड कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुदा ने मुझे दिखाई हो। एवरीथिंग इज ऑलराइट, एवरीथिंग इज क्लियर। और जो है आप इसको आप भूल और मैसेज आपके लिए ये है कि इस ड्रीम को भूल जाओ, आपको खुदा जरूर बस जरूर हील करेंगे। लेकिन आपके जो रीअप्लाई के लिए मुझे कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिल रहा, मेरे पास जो मैसेज है आपके लिए यू हैव टू गो बैक एंड गेट नाउ तारक भाई आपको और आपकी बीवी को और आपके बच्चों को साथ बैठ के फैमिली प्रेयर करने की जरूरत है। आप अपने घर में एक फैमिली प्रेयर करनी शुरू करें तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज होना शुरू। मैं बहुत ज्यादा रहती हूँ बल्कि तकरीबन ज्यादातर रहती दुआ में हूँ, पर कोई ऐसे प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस वाली दुआ डिफरेंट होती है, मांगने वाली दुआ डिफरेंट होती है। जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो हम खुदावन के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए क्या होता है, सीधी सीधी बातें खुदावन से करना, वर्शिप करना शुरू करें, प्रभु के गीत गाना शुरू करें, प्रभु के गीत सुनना शुरू करें। अगर आप नहीं गा सकते दूसरों के सुने गाए हुए गीत सुने और फिर उनको गाएं, फिर देखें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन आप मतलब जो भटक जाते हैं ना वो भटकना नहीं, आप वादा करें आज के दिन कि आप भटकेंगे नहीं। ब्रदर मैं एक विजन देख रही हूँ, एक बच्चा है उसने वाइट शर्ट पहना हुआ है, ब्लू निकर या शॉर्ट्स पहने हुए हैं, टाई लगाई हुई है, वो स्कूल जा रहा है। आपके भतीजे को लाजमी एडमिशन मिल जाएगा यीशु नाम में। आमीन आमीन। नाला पहले तो तुम बहुत डरपोक हो जी, तुम बहुत डरपोक हो, तुम डर जाते हो हर गल से, तुम डर जाते हो, कोई भी तुम कुछ कह देता तुम डर जी है ना। तुम पहले डरना बंद कर दो, ठीक है? ठीक है, क्योंकि माँ बनने लिए दलेर होना पैंदा है ना जी। ते माँ तो बहुत दलेर होंगी है, तो फिर जो तेरा बेबी होएगा तो जो तुम आप ही डरपोक होगे तो अपने बच्चे का कैंज ख्याल रखोगे। आप अपने डैड के लिए दुआ करें कि वो प्रभु को सरेंडर करें। हाँ जी। आप ये दुआ करें कि आप जो के जो डैड हैं वो तौबा करें और प्रभु के कदमों में आ जाएं, उसके चरणों में आ जाएं। हाँ जी। और जो प्रभु है पर सिस्टर की भी राह दिखाए, वो बिल्कुल भी ना चर्च को बिल्कुल भी मानते नहीं है, वो उल्टा सीधा बोलते हैं कई बार। तो सिस्टर यही तो बात है ना, हम दुआ अब मेरी बात सुने, दुआ किसके लिए की जाती है कि वो प्रभु के चरणों में आ जाए, जो प्रभु के चरणों में नहीं होता। हाँ जी। कि आप सुबह उठें और वर्शिप करें, और जब आप एवरी डे वर्शिप करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में फ्रूटफुल चीज़ें होंगी और आपकी ज़िंदगी से ना सिर्फ लोगों को भी बरकत मिलेगी बल्कि आप बहुत बड़ी बरकत को रिसीव करें। आप रोज़ सुबह उठ के वर्शिप करें, बिना अपने वर्ड्स को चेंज करें। आप आपके लफ्ज़ जो हैं वो आपके हक में नहीं होते, आपके लफ्ज़ जो हैं वो बहुत हार्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं। आप लाइट बोलना शुरू करें, खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और जो है आम जिंदगी में आपके वर्ड से बिब्लिकल लाइफ बिब्लिकल लैंग्वेज होनी चाहिए आपके वर्ड्स। एक टेस्टिमनी शेयर करनी है कि मैंने 2-3 हफ्ते पहले पास्टर जी से प्रेयर कराई थी, मुझे बहुत बुरे ख्वाब आते थे, तो उन्होंने कहा कि आपने किसी और मोमेंट को वर्शिप किया होगा या माना होगा, तो ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे याद आया कि मैं एक मुकदसा मरियम का कोई चर्च था, मैं वहाँ गई थी, तो मैंने खुदा से जैसे ही रिपेंट किया और वो सारे ख्वाब मुझे आने बंद हो गए। अब अपनी बच्ची के सर के ऊपर सीधा हाथ रख के कहें कि इन फिट्स को मैं यीशु के नाम से रिब्यूक करती हूँ। आप अपनी अथॉरिटी को अपनी बच्ची की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करती हैं जी। हाँ जी, आपने कभी ऐसा नहीं किया कि आपने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल किया हो। आप ऑल द टाइम जो नायक को ऐसे है, नायक को वैसे है, नायक को ऐसा,
आप उसके ऊपर एक पर्सनल प्रोफेसी करती रहती हैं, आप कभी भी इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करती कि नाया बिल्कुल हील हो गई है और वो बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा नहीं करती है।